हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो, वरना कोई बात नहीं। अब वो समय नहीं रहा कि आप अपना समय सीरियल देखने में और गेम खेलने में बिताओ। अब हम अंत के दिनों में समय में जी रहे हैं और ऐसे कई भाई बहन हैं जो प्रभु में ईमानदारी से विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे मसीही हैं जो सिर्फ नाम के मसीही हैं। वे लोग अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं कि उन्हें कभी मरना ही नहीं है। ये जो बाइबल है ना, ये कोई खेल नहीं है भैया, याद रखना इस बात को। परमेश्वर आपकी जान निकाल लेगा उस नर्क में। अंत के दिनों में क्या क्या घटनाएं होंगी, अभी आपको आगे बताया जाएगा। यीशु ने कहा था, एक के बाद कई जगह अकाल पड़ेंगे। नंबर एक, सिर्फ खुद से प्यार करने वाले होंगे। नंबर दो, पैसों के भूखे होंगे। नंबर तीन, माता पिता की बात नहीं मानेंगे। नंबर चार, वफादार नहीं होंगे। नंबर पाँच, परिवार से प्यार नहीं करेंगे। नंबर छः, काबू नहीं करेंगे, खुद पर काबू नहीं कर पाएंगे। नंबर सात, खूंखार और मारपीट करने वाले होंगे। नंबर आठ, परमेश्वर की भक्ति करने वाले के बजाय मस्ती में डूबे रहेंगे। नंबर नौ, परमेश्वर से प्यार करने का दिखावा तो करेंगे मगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। ये लोग हैं सिर्फ नाम के मसीह हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी कोई प्रार्थना है जिसे करने से मुझे उद्धार प्राप्ति की गारंटी मिल सकती है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है कि उद्धार प्रार्थना के शब्दों को दोहराने या कुछ निश्चित शब्दों को बोलने से नहीं मिलता है। बाइबल कहीं पर भी एक व्यक्ति के द्वारा उद्धार के लिए प्रार्थना करने का उल्लेख नहीं करती है। उद्धार प्राप्ति के लिए एक प्रार्थना करना सम्मत नहीं है। एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ मेरे प्रियो, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको सीधा सीधा नर्क में जाना पड़ जाएगा। और एक बार उस नर्क में चले गए तो न वहाँ आग बुझेगी और न वहाँ कीड़े मरेंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसको तड़पना पड़ेगा। आपका बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए हमारा उद्धार होना बहुत ही जरूरी है। उद्धार के लिए बाइबल का तरीका यीशु मसीह में विश्वास करना है। जैसे रोमियो 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उद्धार विश्वास और पश्चाताप के द्वारा ही हो सकता है। इफिसियों 2 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए। पहली बात देखिए, हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, जिसकी सजा मौत है, नर्क में अनंत काल की है, जो कभी नहीं बुझने वाली आग है। जैसे रोमियो 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है, सब अपवित्र हैं। सबने पाप किया है और यीशु मसीह को छोड़कर कोई है ही नहीं जिसने अपने पूरे जीवन को पाप रहित यापन किया हो। सभा उपदेशक में लिखा हुआ है 7 अध्याय के 20 वचन में, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं है जो भलाई ही करे जिससे पाप ना हुआ हो। वचन में साफ और स्पष्ट रूप से लिखा है, बताती है बाइबल, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो, क्योंकि सभी ने पाप किया है, कोई भी पवित्र नहीं है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारे पापों के कारण और यह दंड के योग्य था, हम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको करने के द्वारा हम स्वयं को परमेश्वर के साथ ठीक नहीं कर सकते हैं। परंतु फिर भी मनुष्य ने यीशु मसीह को आविष्कार कर दिया और उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, और फिर भी आज मनुष्य पाप कर रहा है और यीशु मसीह के लहू की जरा भी कदर नहीं कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे प्रियो, सुधर जाओ। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक बहुत भयानक बात है मेरे प्रियो। अगर उसके हाथ में पड़ गए तो दुनिया की कोई भी ताकत छुड़ा नहीं पाएगी। अगर आपके जीवन में पाप है या गुप्त रीति से पाप हैं, तो आइए परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और परमेश्वर से बोल दीजिए कि मुझसे हो गई गलती, और परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नर्क में डालना नहीं चाहता है। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर जरूर कर देना। ओके, आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।